भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमान के जवानों को अनोखी चुनौतियों का सामना करने की ट्रेनिंग दी जाती है। घुसपैठियों से लड़ना साए में लड़ने जैसा ही होता है। LOC के पार आतंकवादियों को भारत भेजने के पहले कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है। वो एक बड़े ही तेज तर्रार और पूरी तरह से हथियारबंद गुरिल्ला सेना है जिसका बस एक ही मकसद है। सरोल जम्मू के बैटल स्कूल में 16 कोर के जवानों को उन गुरिल्लों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सिखाया जाता है। किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सतर्कता। हमारे पास जो भी वैज्ञानिक या तकनीकी उपकरण है या हमें जो भी खुफिया जानकारी मिलती है या फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज हैं वो सिर्फ मदद कर सकते हैं। सच तो यही है कि एक चौकन्नी सेना बड़ी आसानी से घुसपैठ की कोशिशों को रोक सकती है। इन्हें ये सीखना पड़ता है कि सरहद पर या दुश्मन के गढ़ के अंदर रास्ते का पता कैसे लगाना है। इस ट्रेनिंग के बाद एक ऐसा जांबाज फौजी तैयार होता है जो दुश्मनों के लिए तो बेरहम होता है पर आम लोगों के लिए बेहद रहमदिल। रणनीतियां और तरीके इस तरह से बनाए गए हैं कि जवानों को इन इलाकों में काम करने में परेशानी ना हो। इस तरह से गोलीबारी करना कोई आसान काम नहीं है। इस ट्रेनिंग में ये जवान बिल्कुल सटीक निशाना लगाना सीखते हैं और वो दाएं और बाएं दोनों हाथों से बिल्कुल सही निशाना लगाने में माहिर हो जाते हैं। कोर जोन में जो भी जवान आता है वो अलग अलग जगहों पर शांति वाले स्टेशनों पर काम करके आता है। हमें उनकी सोच बदलनी पड़ती है तभी वो इस इलाके में जाकर अपना काम कर सकते हैं जिसकी हिफाजत का जिम्मा उन्हें दिया जाता है।